हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों आज मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। आज संडे है और मैंने सोचा कि कहीं आज छुट्टी का दिन भी है और भंडारी जी भी घर ही है, आज दुकान पे ही हैं और कारीगर लोग भी छुट्टी में हैं। और हम मैंने सोचा कि चलो आज और दिन तो टाइम मिलता नहीं है और आज छुट्टी का दिन भी है और हम मंदिर चलते हैं कहीं। एक बागेश्वर साइड एक मंदिर है, गौरीडार मंदिर कहते हैं उसे। तो गौरीडार मंदिर मतलब बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो कि मतलब बागेश्वर से आधा घंटा बात पड़ता है वो मंदिर, और गौरीडार के मंदिर में। और बड़ा रहस्यमय मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और 25 साल पहले गई थी दोस्तों वो मंदिर में मैं। आज दोबारा फिर से मेरे को मेरा मन ने कहा कि एक बार और उस मंदिर को देखा जाए। देखते हैं वो वहाँ की छवि अब कैसी हुई है, कितनी बदली है। पहले तो एक छोटा सा मंदिर था वहाँ पे और ऊपर से बंजर भूमि थी। और आज तब तो रोड भी नहीं थी दोस्तों वहाँ पे, मैं पैदल गई थी अपने कम मेरे को तब 16 17 17 साल की थी मैं, तब वो मंदिर गई थी मैं। तो 17 साल की थी तो उसी समय मतलब 1 साल हुआ था मेरा शादी के, तब गई थी मैं वो गौरीडार मंदिर। और देखते हैं वहाँ जाके मंदिर की छवि कितनी बदली है, कितना सुंदरमय मंदिर बना रखा है, अब वहीं जाके पता चलेगा। और अभी हमने नाश्ता भी नहीं कर रखा है, नहा धो के कपड़े पहन रखे हैं, तैयार हो रखे हैं, और वहीं जाके पता चलेगा कि कैसा मंदिर है करके। मंदिर तो मैंने देखा है दोस्तों, लेकिन अब मैं वहाँ ही जाके वो मंदिर को के बारे में बताऊँगी। और 25 साल भी हो गए हैं मंदिर को, अब काफ़ी कुछ बदल गया होगा मंदिर का दृश्य, और वहीं जाके वो मंदिर का दृश्य दिखाऊंगी आपको। और पहले मैं अपने मंदिर से, अपने घर के मंदिर से आपको अपने घर के मंदिर के दर्शन कराऊंगी। तो मैं सभी को प्रणाम बोलती हूँ, सभी को मैं बोलती हूँ कि मैया रानी सभी का भला करे, सभी जितने भी हैं और जहाँ भी मैं मंदिर जा रही हूँ वहीं सबका मतलब शुभ काम करे, सभी का भला करे, सबको सद्बुद्धि दे। तो यही कामना के साथ आज चलते हैं हम मंदिर, गौरीडार मंदिर। तो चार भी हो गई है तैयार और हम निकलते हैं आप देखो मंदिर को। ये दरवाजा बंद कर।
हमने रिवर क्रॉसिंग यही तो की थी है? रिवर क्रॉसिंग हमने यही तो की थी। बहुत ही बढ़िया यार, गहरा खूब होगा ना, मजा आ जाएगा ना। नहीं ये हम जा रहे हैं गौरीडार वाली रोड पे। अभी यहाँ से भी एक रोड कटेगी गौरीडार को। और जब मैं 25 साल पहले आई थी तो पैदल रोड आई थी, वो सामने वाली नहर से गई थी पैदल। और उसके बाद आज 25 साल बाद आ रही हूँ यहाँ पे। काफ़ी कुछ बदल चुका है यहाँ पे, रोड हो गई है, तब तो रोड भी नहीं थी यहाँ पे। काफ़ी कुछ यहाँ पर विकास हो रखा है, रोड चले गई है, अच्छी रोड चले गई है। और यहाँ से जब ये रोड कटेगी और तो दिखाते हैं आपको रहस्यमय गौरीडार मंदिर। गौरीडार, हाँ, यहाँ पे शिव जी है, माँ भगवती है। गई है गौरीडार मंदिर को रोड, ये चले गई शायद। नहीं, ये गरुड़ को नहीं जाती, नीचे वाली गरुड़ को जाती है। मैंने हाँ, और ये जहाँ वो कैलाश का ससुराल है, यहाँ हाँ गांव का है काफी गौरीडार। एक मंदिर यहाँ पे भी है, ये तो हाल ही में बनाया यार, ये भगवती मंदिर है। ये देखो, जय हो देवी भगवती मैया। ये आगे नीचे को पंद्रह पाली है। यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं ना। कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है यहाँ, और पहाड़ के नीचे देखो गांव। बहुत कम ट्रैफिक होता है, बिल्कुल अभी तो नाके बराबर ही है। आइडिया है, हाँ। आइडिया में है अपने नाम नहीं, मेरे को एयरटेल में करने ना, क्योंकि उसमें अच्छे टावर आते हैं आइडिया में। यहाँ टावर नहीं आते, यहाँ टावर नहीं आते, कितने बाप बोल दिया। ये पंद्रह पाली है, फिर ये इसी ऊपर को आए हमीर, ये गधेरे से ऊपर को गई है। ट्रैफिक यहाँ पता नहीं, फिर मैं पहली बार देख रही हूँ रोड। गियर लग दो, गियर में ना गाड़ी चलाने में दिक्कत करने वाला। ये टाइम यहाँ लोग नहीं देखेंगे, वो लोग वहीं देखेंगे। अब आने लगे होंगे। अरे यार गाइस,
बाघ ने खा दिया। देखिए दोस्तों, इतने घने जंगल में है मंदिर। अभी यहाँ उतना विकास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत। मैं पहली बार अपनी फैमिली को लेके जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी लड़की, मेरी बहू साथ में है। समझो कि एक रहस्यमय मंदिर है यहाँ। गौरी मैया का मंदिर है यहाँ। जय हो गौरी मैया। सामान कैसे ले जाया जाएगा? हम पहुँच गए हैं, पानी ले गए। शीशा चढ़ाते हैं। आई है ये, हमको बता नहीं रही है। रुक जा, बेवकूफ बना रही है हमको। चलो आजा आजा। हाँ गाँव तो दोस्तों ऐसा लगेगा यहाँ कोई मंदिर होगा करके। देखिए फिर भी यहाँ इतना अच्छा मंदिर है यहाँ पे। मैंने तो बोल दिया ये चारू और ये भंडारी जी हमारे। पापा पहुँच नहीं रहे। तूने नहीं उछली? मैं उछली नहीं, मैं ऐसे रास्ता। बाप रे मेरे पैर में क्या अटका है। बाजार में ही रहते हैं। ये देखो, अब तुम नीचे को क्यों जा रही रिया? ये देखिए यहाँ पे गांव में महिलाएं काम काज में बिजी है। ये चारू यहाँ जो लीला आंटी नहीं है उसकी दुरानी का गांव है ये। माइका है क्या? हाँ 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 हाँ। घर से की बाती लेके आए। सब लाए हम। चलो आ, एक फ्रूट नहीं लाए। सब लाए फ्रूट नहीं लाए तो सब हो तर जैसे कि भाई। अम्मा नमस्कार हो। हम यहाँ का चिन्हिया गरुड़ा। हाँ सब बढ़िया, तुम ठीक छा? आ मंदिर चलो, मंदिर दर्शन करूँ गौरी मैया दर्शन। यही तक है कहा फिर ये तो। इसके आगे भी है गांव? नहीं नहीं है। चलो चलो, बच्चे आ रहे पीछे से।
अरे तब तो ना यहाँ मकान नहीं थे रे। आजा ले। आजा। 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 ले। ले ले आजा। आजा। आजा गो माता। आजा गो माता। गो माता। चल चलो। चलो चल। चल 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 जाके। चलो। भूख लग गई उसको, भूख लग गई खाता है। शीत दिन में कैसे बैठ गया देखो तू। ये खेत देखे आए आजकल वो पर उपराऊ हुआ फिर यहाँ वैसे कहाँ गए पापा लोग उनका नाम नहीं था। ये देखो, ये देखो कितना एक गुफा जैसी यहाँ पे जगह है। गौरी मैया का मंदिर है रे यहाँ ना। तो दोस्तों हम जा रहे हैं गौरी मैया मंदिर। ये जगह ही गुफा जैसी है। लगा ले हम पैदल आए थे। अब तो यहाँ मंदिर बना दिया बस। ये देखिए मन में रखो एक ही सपना स्वच्छ बनाना है भारत को। पुरकोट ग्राम पुरकोट सचिवालय पुरकोट। देखो अब यहाँ किसी को पता होगा मंदिर है करके हैं हैं। तो हमने तो पहले देखी थी। ये तोता देख, सब तोता तो है। ये तोता कितनी अच्छी आवाज आ रही है। पक्षी की आवाज़ अच्छी आती है। नहीं नहीं पक्षी की आवाज़ आ रही थी। सांप भी होंगे सांप। ये एक गुफा ही है। पूरा इलाका ही एक गुफा नुमा यहाँ पे दृश्य बना है। और ये कुदरती है। देखो अभी यहाँ किसी को हमारे हैं पानी है। यहाँ बहुत पानी है लेकिन अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये है हमारा गौरीदार मंदिर। ये देखिए दोस्तों यहाँ आप कितना अच्छा लग रहा है। देखो बहुत प्यारा मंदिर। देखो 25 साल पहले आई थी मैं यहाँ पे। ये देखिए दृश्य, ये पूरे मंदिर का दृश्य देखिए है। यह पूरी गुफा आपको दिखाई दे रही है। ये बाहर का दृश्य है। अभी मैं अंदर गई नहीं हूँ और मैं अब अंदर को जा रही हूँ। जूते चप्पल कहाँ पर उतारे। चलो यहाँ उतारे। पर यहाँ पर उतार देती है।
कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ को बता दी। चलो ठीक है, ये है यहाँ पे मंदिर। जूते चप्पल वहाँ पर ही उतार देते जहाँ पर वो था, सामने जहाँ पर लिखा था क्या। अब हम नीचे गुफा की ओर जा रहे हैं। हाँ आप फोटो ले लो। ये भंडार की फोटो शूट करते हुए आप फोटो ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मंदिर आ गया है, बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे 10 से 25 साल से। तो देखिए गुफा इतनी अच्छी है, यहाँ पे दृश्य है और इतने यहाँ पे बना है, ये कुदरती है, कोई इसमें दिखावा नहीं है, ये अपने आप ही बनाई है मंदिर, ऊपर से बन जाए प्राकृतिक ही है। और जो ये टपक रहा है ना, ये ऊपर से दूध जैसा दिखाई दे रहा है, पहले तो बहुत दिखाई देता था आपको। और भी एक दो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं पूजा पाठ के लिए। ये पूरी गुफाएं हैं यहाँ पे 5। क्या करूँ, ऐसी पकड़ी रहेंगे, कुछ मत करना। जोत जली है माँ भक्तों, तेरी जोत जली है माँ। हाँ एक गणेश जी की, कोई बात नहीं गणेश जी आ जा, एक दिया गणेश जी पे जा, 4-5 लाई हूँ मैं।
काम से, ये हनुमत जी है क्या? तो दोस्तों ये जो ये यहाँ पे पानी टपका है, ऊपर से ये पानी टपक रहा है, यहाँ पे नीचे आया है। यहाँ पे एक कहावत है कि पहले जहाँ जहाँ पर ये पानी टपका है, ये देखो आप देख रहे हो ये गीलापन ये ज़मीन में, तो पहले यहाँ दूध आता था ऊपर से, ये जो टाव जैसे बने हैं जो आकृति, यहाँ से दूध आता था। और दूध आता था तो एक पंडित ने पुजारी यहाँ जी यहाँ आए, पुजारी जी आए तो उनको ज़ोरों से भूख लग गई, पूजा के बाद उनको भूख लग गई, तो उन्होंने कहा कि क्या बनाए क्या बनाए, अब मैं क्या खाऊं करके। तो उन्होंने क्या किया, जो ऊपर से दूध आ रहा था, नीचे से अपनी एक छोटी सी बाल्टी लगा दी दूध के लिए। और यहाँ पर वो चावल लाए थे, उन्होंने कहा कि अब खाने को तो कुछ नहीं, भूख ज़ोरों से लग गई है, और मैं अब ये करता हूँ कि यहाँ पर ये दूध का खीर बना लेता, खीर बनाता हूँ और खीर खाता हूँ, तब मेरी भूख मिटेगी। तो दोस्तों उन्होंने खीर बना दिया, खीर बनाते ही वो पानी हो गया, तो यहाँ पे जो दूध टपक रहा था वो पानी में बदल गया। तो यहाँ ये कहावत है, और बिल्कुल एक रहस्यमय मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए इसकी दृष्टि देखिए बहुत अच्छा, यहाँ पे आके भी बहुत शांति मिल रही है। पहले तो सभी जगह जितने भी कोटि कोटि हमारे 36 कोटि देवी देवता है, वहाँ जाके हमें मंदिरों में जाके हमें शांति मिलती है। तो भक्तों यहाँ आके भी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर को, ये हमारी चारू जला रही है दिया, ये देखो गणेश जी पर जला दिया है, और यहाँ पे शिवलिंग पर जला रही है, यहाँ पे शिवलिंग पे ज्योत जला रही है, और माँ के यहाँ पे ज्योत जला दिया है यहाँ पे। मेरे ऊपर से पानी गिरा। हाँ ये देखो आशीर्वाद मिल गया है। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ऊपर को, और आपको ये रहस्यमय मंदिर दिखाने के लिए जा रही हूँ। और देखो यहाँ पे इतना यहाँ पे भी पानी दूर टपकता था, ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो कितनी ये अपने आप ही आकृति बनी है ये। जैसे जैसे मैं ऊपर को जाऊंगी ये मंदिर आपको खाली में भी बना। तो अब चढ़ा रहे हैं दिया और चारू यहाँ पे जल। तो दोस्तों
हाँ पीछे को भी देख लेना। ये कलयुग वाला चार युग ये तो यहाँ पैर में रखना। अरे खिचड़ी यहाँ लगते हैं। अरे यहाँ पे लड़की में देखते हैं। माजी लाया तेरे पास? हाँ है। हेलो हाय नमः दो इसी बात में लगा। मेरे को भी मिल गया आशीर्वाद। मेरे को भी मिल गया आशीर्वाद हाथ में। चलो यार बहुत सुकून हुआ मेरे को। देखने लायक मंदिर है ना, मतलब ऐसे था ही नहीं कि ऐसे देखो, वहाँ देख कितना अच्छा लग रहा है। ये अब जला रहे हैं दिया और चारू पूजा कर रहे हैं। चल रहे हो? चल रहे हो? तो हमने यहाँ कर लिया है पूजा। तो दोस्तों ऊपर से पूजा करते हुए नीचे को आने लगे हैं। भंडारी जी हैं आगे से, रिया और चारू। अभी और भी श्रद्धालु यहाँ पे आते रहे हैं। प्रसाद लाने के लिए आगे प्रसाद लाके और भी भक्तजन वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं ऊपर को। ये धार्मिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से लिंगों को भंग करना महान अपराध है। ये यहाँ पे चेतावनी दे रखी है ताकि कोई भी इस मंदिर को नुकसान न पहुंचाए। ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी दृश्य यहाँ पे बनी है। ये देखो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ऊपर की आपको दृश्य दिखा रही हूँ यहाँ पे। दुपट्टा ऊपर कर लो ये पैरों में। एक और मिल गया मेरे को प्रसाद, सीधे सर पे ही गिरा।
ओए चमगादड़। चमगादड़ है ना वो, मत कर ऐसे पट्टे पट्टे के। तो दोस्तों जो आपको ये आवाज़ आ रही है ये चमगादड़ की आ रही है। देखो कैसे उल्टे लटके हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितने सौंदर्य मंदिर। देखो यहाँ तक अभी कम ही लोग यहाँ पे पहुँच पाए होंगे। फोटो ले ले सब बना दे। देखने जा रहे हैं झरने नीचे। यहाँ का तो आपने रहस्य देख लिया है, अब झरनों का देखोगे। कोई बात नहीं, चलो बस। ये हमेशा आता है पानी ना, ना मैं ये कह रही हूँ ना, पानी तो है ऊपर से नहीं दिख रहा है मंदिर से, ठीक है यहाँ से पानी कहाँ से आता है। तभी तो खा के ये देखो पूरी कितना अच्छा और रहस्यमय मंदिर है यहाँ पे। कितना अच्छा यहाँ पे दृश्य दिख रहा है मंदिर का। ये देखो ऊपर से पूरा पहाड़ दिख रहा है, बंजर पहाड़ दिख रहा है आपको, और नीचे से देखें इसका दृश्य देखें, नीचे से सुंदर आकृति बनी है यहाँ पर। ये देखिए मैंने आपको एक एक कोने कोने तक के दर्शन आपको करा रखे हैं यहाँ पे। Thank you.
अब मैं नीचे से जा रही हूँ यहाँ पे जो हमें घर में देखने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये पैदल रास्ता है। ये पैदल रास्ते से हम बहुत साल पहले आए थे। ये पैदल रास्ता दिख रहा है, सीधे ये पंद्रपाली को निकलता है और पंद्रपाली से एक नहर मिलती है हमको और नीचे से नदी है और उसके बाद वो बालीघाट में मिलता है। तो देख दोस्तों, कैसा लगा ये मंदिर, कमेंट और लाइक करके बताना दोस्तों। और आपका भी अगर मन करेगा या फिर आपको भी हुक्म होगा तो आप अवश्य यहाँ पर आएगा आपको माँ गौरी मैया के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर शिव जी दर्शन, सभी देवी देवताओं के यहाँ पर आप दर्शन यहाँ पर भी पाओगे और बहुत अति सुंदर यहाँ पर दृश्य है। तो यहाँ पर आप जब ज़रूर यहाँ गौरी मैया का भी आशीर्वाद लेने आना। अब तो रोड हो गई है दोस्तों, पहले तो यहाँ पर रोड ही नहीं थी, अब तो बहुत सुविधा आने की जाने की सुविधा हो गई है, अच्छी रोड बन गई है। ये ऐसा रास्ता था पहले, ये सामने जो झरना है भंडारी जी और चारों वहाँ पर झरने में फोटो शूट कर रहे हैं। ये देखिए हैं, पता नहीं मेरे से क्या बोल रहे हैं, जल्दी आ जाए यहाँ पर फोटो लेंगे बोल रहे हैं। फोटो ले दो, तो अब हम जाने लगे हैं घर को। ले लिया हमने विदा गौरी मैया से। ऊपर खाली बंजर है, कोई कहेगा यहाँ पर इतनी बड़ी गुफा है करके। ये वो दो बाबे थे ऐसे जा रहे हैं, ये देखो कैसे जा रहे हैं। हमको है, हमको क्यों नहीं रुक रहे रो मैं और चारू इतने पीछे हो गए हैं, जाने देते चारू इनको। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर को और चढ़ाई लग गई है अभी। ये कोई बात नहीं, अभी माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया है, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया है। दो चलते हैं आप घर को। ये है मेन गेट, यहाँ से नीचे को गए हम और यहाँ से ऊपर को आ गए हम।